दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आप देख रहे हैं यूलाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक दिवाली के लिए डेकोरेशन लाइट बनाकर दिखाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा लाइट बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लाइट बनाने के लिए यहाँ पे एक LED बल्ब का यूज किया है, जो कि ये ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको निकाल लिया है और देख सकते हैं यहाँ पे अंदर बाकी कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये जो लाइट बनेगा दोस्तों, बहुत ही सस्ता में और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन आपको ये दे पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए दोस्तों हम इस पर एक PCB का टुकड़ा यूज करेंगे। और इसी के साथ जो मैंने कट कर लिया यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपके पास PCB अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी टाइट गत्ते का उपयोग कर सकते हैं, जिसे आप होल्ड करके LED लगा सकते हैं। तो इसमें जो मैं LED यूज करूँगा दोस्तों, यहाँ पे RGB LED, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं 10 मैंने यूज किया है। आप इसमें 10 से 12 भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो RGB है, ये मुझे 2 रुपया से 1.5 रुपया में मार्केट में मिल गया है। वो मार्केट के हिसाब से ऊपर होता है, कहीं किसी को 5 रुपया में एक पीस देता है, तो हम इसमें 2 रुपया में लिया है एक पीस। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 1K। और इसमें हम एक चार्जर का किट यूज करेंगे 5 वोल्ट सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि आप किसी भी मोबाइल चार्जर का ले सकते हो, ओरिजिनल हो या लोकल। तो ज़्यादातर कोशिश करें दोस्तों कि ओरिजिनल ले, उसमें क्या होता है कि प्रॉपर वोल्टेज बनाता है। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल चार्जर का लिया है, ताकि मैंने इसको 5 वोल्ट सप्लाई इसमें दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों चार्जर का जो किट होता है, उसी हिसाब से ले, ताकि यहाँ जो अंदर का होल होता है ये चार्जर, ये LED का, उसमें परफेक्ट अंदर तक चला जाए, यहाँ पर बाहर ना आए। आप वैसा ही किट आप इसमें चुने, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर चला जाता है और बाकी स्पेस हो जाता है, और डायरेक्ट LED लगाने के बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरीका से सामान को ले लेना है दोस्तों, और बहुत ही सस्ता दोस्तों ये बनेगा। तो चलिए, इसमें क्या करना होगा दोस्तों कि इस सब LED का कनेक्शन हम इसी PCB पर करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों कि इसको हम लगा लेते हैं कुछ इस तरीका से। तो इस तरीका से LED को लगा लेना है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 9 LED यूज किया है, और 9 LED में बहुत ही अच्छा चारों साइड से हो जाता है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो चलिए, इसका हम सोल्डिंग कर लेते हैं। और इस सोल्डिंग जो करेंगे दोस्तों, सभी का LED का माइनस को एक साथ और प्लस को एक साथ हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर LED को लगा कर यहाँ पर सोल्डिंग कर लिया है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, मैंने LED का जो चारों साइड से ये माइनस वाला पॉइंट है, और यहाँ बीच में प्लस वाला पॉइंट है, और बीच वाला जो LED का दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लीव लगा के यहाँ पे माइनस में कनेक्शन कर दिया है, ताकि ये वाला टच ना हो प्लस में, और यहाँ पे प्लस वाले को प्लस में कर दिया है। तो ये हमारा इस तरीका से बना लेना है दोस्तों यहाँ पे। अब हमें क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा 5 वोल्ट का चार्जर है, उसका डायरेक्ट हम यहाँ पर 220 वोल्ट देंगे, जो डायरेक्ट यहाँ से आता है। तो उसका कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक छोटा सा वायर ले लेंगे, और यहाँ पे जिसका यहाँ पे माइनस प्लस है, जैसे कि देख सकते हैं, इसका माइनस प्लस का कनेक्शन हम इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइनस प्लस का कनेक्शन कर लिया दोस्तों, जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट करता है। और यहाँ पे हम इसको माइनस प्लस को देखते हुए कहीं भी जोड़ देंगे यहाँ पे, जैसे कि बाहर वाला माइनस है और अंदर वाला प्लस है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे इस चार्जर को हम अंदर डाल देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीका से, और एक हम छोटा सा यहाँ पे कागज़ डाल देंगे, ताकि हम जो यहाँ बल्ब ला PCB लगाएंगे उसमें टच ना हो। तो यहाँ पे इस तरीका से करके, और यहाँ पे इस बोर्ड को इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, मैंने बोर्ड को लगा दिया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीका से करके और यहाँ पे लगा लेना है, देख सकते हैं, कहीं से पता नहीं चल रहा है कि ये डेकोरेशन लाइट है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इसको डायरेक्ट हम होल्डर में लगा देंगे 220 वोल्ट में, जैसा कि हम आपको लगा कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने होल्डर के जगह पर डायरेक्ट इसमें वायर सोल्डिंग कर दिया दोस्तों। अब हम इसमें सप्लाई देकर आपको दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है, और ये बहुत ही अच्छा ही डेकोरेशन लाइट बना रहा है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा लाइट बना रहा है। तो
दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने घर के लिए एक डेकोरेशन लाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लाइट बना रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने घर में इसको लगाकर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन लाइट बना सकते हैं, जो कि दिवाली में बहुत ही अच्छा ये दिखेगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को ऐसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।